नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दीपक कुमार। दोस्तों मैं आज आपके लिए 1325B मॉडल की जानकारी लेके आया हूँ। 1325B मॉडल के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे हम दोस्तों। ये किस प्रकार से मशीन बनी है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इसमें पार्ट्स यूज हुआ है, और ये कितने तरह के प्रोडक्ट पे काम करता है और क्या क्या वर्क करता है। दोस्तों वैसे जो 1325B है, हमारी कंपनी उसको ऑल इन वन बोलती है। ऑल इन वन का मतलब है भी सभी मटेरियल पे ये काम करती है। ये इंडिया का सबसे हॉट सेल होने वाला प्रोडक्ट हमारा 1325B है। आप इसमें बहुत प्रकार के काम कर सकते हैं, काम जैसे कि आप इसमें वुड, PVC, MDF, एक्रेलिक, स्टोन, आयरन और मेटल काफ़ी प्रकार का इसमें काम कर सकता है। ग्रेनाइट स्टोन भी आप इसमें काम कर सकते हैं। आज हम लोग आपको इसकी जानकारी देंगे तो आपको इसकी आपको प्राइस भी बताएंगे कि कितने प्राइस में ये मशीन। दोस्तों अब हम आपको इस मशीन के बारे में सारा डिटेल में समझाएंगे। इस मशीन में क्या क्या लगा हुआ है, किस प्रकार से बनी हुई है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। ये देखिए हमारा 1325B मॉडल है। आप देख सकते हैं मेरी 6.5 फीट हाइट है, तो मेरे हाइट से काफ़ी हैवी मॉडल है ये। आप देख सकते हैं 8 फीट के तकरीबन मशीन है, तो क्योंकि ये काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर में बनी हुई है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की, देखिए ये कितना हैवी मटेरियल लगा हुआ है, कोई भी आवाज़ नहीं है। तो अगर ये पूरा एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर में बना हुआ है। अगर मैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बॉडी स्ट्रक्चर में देखिए ये 8 इंच का पाइप सारा यूज़ किया हुआ है। और जो अगर मैं इसकी पाइप का मोटाई की थिकनेस की बात करूं तो हम लोगों ने 10 mm का पाइप यूज़ किया हुआ है, और साथ में हमने इसको लेवलिंग पैड भी दिया हुआ है। कई जगह पर लेवलिंग नहीं मिलती है ज़ीरो, तो हमें लेवलिंग करनी पड़ती है, हम लोग लेवलिंग पैड साथ में देते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग आपको इसके अब मशीन के बारे में बताएँ तो ये देखिए, ये हम लोगों ने 20 mm की गाइड रेल यूज़ की हुई है जो कि मेड इन जर्मनी की है, हाइविन की। और इसका अगर हम लोग रैकिंग पिनियन की बात करें तो ये रैकिंग पिनियन 25 mm में मेड इन ताइवान का है। अगर हम लोग बाल स्क्रू की बात करें, ये भी हमारा 25 mm में मेड इन ताइवान है। दोस्तों इसमें अब जो मेन आ जाता है, इसमें स्पेंडल आता है हमारा 3.2 किलोवाट में सिंगल फेस में। अगर आप 3 फेस में चाहते हो तो 3 फेस में भी कन्वर्ट हो जाता है, 3 फेस में मिल जाता है। तो अब इसके मैं अगर बॉडी स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं इसका आपको ये दिखाऊं, इसमें देखिए ये ट्रे लगा हुआ है स्टील का, जिसमें कि जितना भी आप स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट काम करोगे इसमें देखिए इस प्रकार से कूलेंट चलेगा। कूलेंट चलेगा तो ये पूरे स्टील में रहेगा, स्टील में रहेगा तो आपका ये मशीन में जंग नहीं लगेगा। हमारी कंपनी इसकी 10 साल की वारंटी देती है स्टील टैंक की। ये पूरा 303 स्टील में बना हुआ है, तो यहाँ से आप कूलेंट चला सकते हैं। आप स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, वुड, PVC, एक्रेलिक सब काम कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अब जब आपको आपको ड्राई काम करना है, वुड काम करना है या कुछ भी काम करना है, आप इसको यहाँ से बंद करके इसको आप ऊपर कर दीजिए तो आपका ये ड्राई काम में काम हो जाएगा। अगर आप इसको आप नीचे कर देते हैं तो आपके गीले काम हो जाएंगे। तो सभी काम की मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा और थोड़ी देर में आपको इसके सबकी वीडियो भी दिखाऊंगा इस मॉडल में क्या क्या काम होता है। अगर दोस्तों इसके मैं लुब्रिकेंट सिस्टम की बात करूं तो इसमें मैनुअल लुब्रिकेंट सिस्टम सही रहता है, बढ़िया रहता है, हमने वो इसमें यूज़ किया है। तो अगर हम लोग इसमें मोटर और ड्राइव्स की बात करें तो इसमें हमारे पास स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर दोनों हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इसमें इसका ये देखिए ये कंट्रोलर बॉक्स है, ये कंट्रोलर बॉक्स है, देखिए इसका ये कंट्रोलर बॉक्स है। अगर मैं कंट्रोलर बॉक्स की बात करूं तो ये कंट्रोलर बॉक्स है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये इमरजेंसी स्विच है। तो हम लोगों ने ये दोस्तों जो मशीन इसको रेडी करके रखा है, ये हम लोग हाइब्रिड का लीड शाइन का हाइब्रिड का मोटर यूज़ किए हुए हैं, ड्राइव यूज़ किए हुए हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी और हाई स्पीड आती है। देखिए अगर मैं इसका वायरिंग का बात करूँ, देखिए बिल्कुल सिंपल और सॉकेट हमने वायरिंग किया है, कुछ भी इसमें वायरिंग नहीं है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। देखिए दिखाई इसमें देखिए वायरिंग का कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हम लोगों ने वायरिंग किया हुआ है। ये इसका कंट्रोलर है दोस्तों। आइए अगर मैं इसके बेड की बात करूं तो हमारे पास एल्युमिनियम का बेड है, जो उसके ऊपर रबड़ हमने लगा रखी है। आइए अब मैं आपको इसके अंदर जो काम होते हैं, किस प्रकार के क्या क्या काम होते हैं, आपको हम लोग उसके बारे में जानकारी देंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें वुड का आप काम कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी वुड हो, हार्ड हो, सॉफ्ट हो, चाहे बबूल हो, कुछ भी हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो इसमें आप वुड का काम कर सकते हो, MDF का काम कर सकते हो, WPC का काम कर सकते हो, एक्रेलिक का काम कर सकते हो,
पीवीसी का काम कर सकते हो, कोरियन शीट का काम कर सकते हो। अगर हम लोग ये सब आते थे सूखे कामों में, अगर मैं गीले कामों की बात करूं, जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, स्टोन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मेटल हो गया, इस प्रकार के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर मैं ग्लास में काम करूं तो आप इसमें ग्लास कार्विंग भी कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आइए मैं आपको सबसे पहले आप भाइयों को मैं दिखाता हूं इसमें वुड किस प्रकार के कितनी क्वालिटी का काम होता है। दोस्तों जो हमारी क्वालिटी ये मशीन है ना, हम लोग हाईब्रिड सर्वो मोटर में ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। उसमें जो एक तो स्पीड बहुत अच्छी आती है और दूसरा उसमें आता है कार्विंग क्वालिटी होती है बहुत हाई क्वालिटी में आती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हम लोगों ने 10 mm में कार्विंग क्वालिटी की हुई है, ये देखिए कितनी हाई क्वालिटी में आ रहा है। हाँ अगर हम लोग डीप की बात करें तो ये देखिए हमारे पास ये 25 mm की डीप में काम हुआ है। देखिए ये वुड की कार्विंग में काम आ गया है। अगर हम लोग जाली कटिंग की बात करें, ये देखिए एमडीएफ में हम लोग जाली भी कटिंग करते हैं। आपको पता है जाली कितना अच्छा बिजनेस इस टाइम पर चल रहा है। तो ये देखिए अगर हम लोग एमडीएफ की करें तो एमडीएफ में देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी में कार्विंग आई हुई है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा वुड और एमडीएफ का। अभी हम लोग आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या और काम कर सकते हैं, ये किस मटेरियल पे है। ये देखिए आप इसमें अक्रैलिक भी काट सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के वुड कटिंग कर सकते हैं। ये अक्रैलिक बोर्ड जो बनते हैं आपने देखा होगा साइनेज दुकान के बाहर एक बड़े लाइटों वाला अच्छा बोर्ड बनता है, साइनेज बनता है, लाइटिंग वाला बोर्ड भी उसे बोलते हैं। वो सभी अक्रैलिक बोर्ड आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। अक्रैलिक जोड़ के एलईडी लगा के आप साइनेज का धंधा भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, या जो वर्क भी कर सकते हैं, ये सब अक्रैलिक कटिंग में हुआ हुआ है। तो अगर मैं बात करूं एसीपी शीट की, ये देखिए एसीपी शीट में आपने देखा होगा कई प्रकार के शॉपकीपर बोर्ड बनाते हैं और कई प्रकार की बिल्डिंगें बनती हैं उसमें काफ़ी डिज़ाइन डलते हैं, वो सारे एसीपी शीट में करते हैं। ये एल्युमिनियम की शीट होती है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें ग्लास की, ये देखिए इसमें हाई क्वालिटी में ग्लास में कार्विंग हुआ हुआ है। ये देखिए आप इसमें ग्लास किसी भी एमएम का कार्विंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हम लोगों की मशीन में ये ग्लास वर्क कार्विंग होता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ इनका सभी का, इसी मशीन में हम लोग आपको वीडियो भी दिखाएंगे किस प्रकार से इसमें काम हो रहा है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें इसके मार्बल या ग्रेनाइट की बात करें तो आइए मैं आपको मार्बल ग्रेनाइट में भी सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए आइए, ये देखिए हमने इसमें रेड मार्बल में काम किया है किस प्रकार के अच्छी क्वालिटी में काम हुआ हुआ है, ये देखिए। और ये आप इसमें ग्रीन मार्बल भी देख सकते हैं। आप इसमें जो इनोग्रेशन का पत्थर होता है ब्लैक कलर का, आप उसमें नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। आप इसमें मार्बल में ग्रेनाइट में जाली कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी सब इसी में होती है। और अगर मैं आपको कोरियन शीट की बात करूं, ये देखिए ये कोरियन शीट में बुद्धा जी की फोटो बनी हुई है। आपने देखा होगा घरों में आजकल बहुत कई प्रकार के टेम्पल लाइटिंग वाले बड़े अच्छे डेकोरेट के कोरियन में बने हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए उस इन्हीं मशीन में बनते हैं। तो ये मशीन जो सीएनसी 1325 रोटर है ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। दोस्तों अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में आप देख सकते हैं हम लोगों ने, आप इसमें एल्युमिनियम कटिंग भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम कार्विंग भी कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने एल्युमिनियम का कार्विंग किया हुआ है। कई हमारे जो डाई बनाते हैं या कुछ पार्ट्स बनाते हैं वो एल्युमिनियम वाले हमसे मशीन लेते हैं, तो हम वो ये काम भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं मेटल की बात करूं, आइए मैं दिखाता हूं ये दोनों देखिए पाइप जो है ये 3-3 mm में थिकनेस में पाइप है। देखिए अगर इसकी कटिंग की बात करूं तो ये देखिए कटिंग इस प्रकार से कटिंग हुआ हुआ है। ये देखिए ये सारा आयरन के पाइप हैं, देखिए कितनी अच्छी और हाई क्वालिटी में कटिंग किया हुआ है। ये सारा काम इसी मशीन में होता है। मेटल भी आप इस मशीन में कट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम भी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये दास दिमन, आइए दोस्तों अब हम लोग आपको इसकी मशीन के एक्सेसरी दिखाते हैं, हम लोग साथ में इसके क्या क्या देने वाले हैं। ये देखिए हम आपको इस प्रकार से वुडन के टूल देंगे जो 20 pieces होंगे, सारे अलग अलग टाइप में अलग अलग काम करने वाले 20 type के बिट्स होंगे। हम आपको 6 इसकी कॉयलेट्स देंगे जो कि टूल्स के यूज़ के लिए होता है, हर टाइप के यूज़ के लिए होता है। इसके साथ हम लोग आपको एक स्पेंडल का नट देंगे। और दोस्तों ये भी टूल इसके ब्रिक टूल कटिंग के लिए हम लोग आपको ये ब्लू बॉक्स भी साथ में देंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये हम लोग आपको 2 वाटर पंप देंगे जो कि एक कूलेंट के लिए होता है, आपको स्टोन वगैरह पे काम करना हो, मेटल पे करना हो, और दूसरा एक पंप होता है जो कि आपको स्पेंडल ठंडा करने के लिए देते हैं। ये सब इसके टूल्स होते हैं। ये टी स्लॉट वगैरह हम आपको देंगे मशीन के साथ में। दोस्तों हम लोग जो सबसे ईजी ऑपरेट करने वाला
डीएसपी रिमोट कंट्रोल है, हम लोग आपको देंगे, जो कि आपका कोई भी कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसको ऑपरेट कर सकता है इजी टू थ्रू। ये बहुत इजी रहता है, कोई भी आदमी इसको एक घंटे डेढ़ घंटे में सीख सकता है। दोस्तों अगर हम लोग इसकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हम लोग आपको सॉफ्टवेयर देंगे, या आपको इंडिया में कोई भी डोंगल वाला ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं देगा, जो कि हम लोग ही आपको देंगे। आप इसको सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, कटिंग करने के लिए। ये एक्सेसरी हमारी कंपनी की तरफ से मशीन के साथ आएगी। दोस्तों इसके साथ हम लोग आपको दो एक्स्ट्रा सेंसर भी दे के रखते हैं, ताकि आपको कभी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप दो सेंसर उसको डाल के तुरंत से आप उसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ मशीन की वारंटी की, तो एक साल की इसकी मशीन की वारंटी है। अगर दोस्तों मैं आपको इसकी ट्रेनिंग की बात करूं, तो हमारी कंपनी जो है इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि अगर आप मशीन हमसे खरीदते हो तो हम लोग 3 दिन की ट्रेनिंग आपको इसका मशीन की ऑपरेटिंग सिखाएंगे, हम लोग आपको मशीन का सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, हम लोग आपको अलग अलग मटेरियल पर सारा काम करके आपको ट्रेनिंग देंगे। उसकी मशीन की एक साल की पूरी वारंटी होगी। कोई भी पार्ट्स अगर मशीन में एक साल से पहले ख़राब होता है तो हम लोग आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। और जो सर्विस की कॉल रहती है मशीन आफ्टर सेलिंग, हम लोग आपको 24 घंटे की आपको सर्विस की वारंटी देते हैं। जब भी आप फ़ोन करते हैं हम लोग 24 घंटे में आपको रिप्लाई करके